हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट जो कि आपकी नाइनटी नाइन बी ई वी एस की वर्कशीट है क्लास फोर्थ की रेप्लीकेशन वर्कशीट है जिसमें हम रिवीजन करने वाले हैं टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड डेट है ट्वेंटी एट अक्टूबर यूनिट सेवन फ्रॉम द विंडो यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है ठीक है स्टूडेंट्स तो चले आगे चलते हैं नमस्ते पहले बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे बच्चों हमने पार्ट फ्रॉम द विंडो में अब तक सुरंग टनल पुल ब्रिज फाटक लेवल क्रॉसिंग के बारे में जाना और हमने ध्वनि प्रदूषण नॉइज पॉल्यूशन के कारणों के बारे में भी समझा आज हम इस कार्य पत्रिका में उन विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे ठीक है बच्चों चलिए आगे चलते हैं नीचे दिए गए कुछ विकल्प के साथ सही विकल्प चुनकर उत्तर कॉपी में लिखिए नदियों के ऊपर क्या बनाया जाता है बच्चों पुल पहाड़ वाले, वाले स्थान पर क्या बनाई जाती है सुरंग घाटी वाले स्थान पर पहाड़ों के स्थान पर क्या बनाई जाती है सुरंग और घाटी के घाटी वाले स्थान पर क्या बनाया जाता है बच्चों फाटक ठीक है भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है तो भारत में सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ उपस्थित है तो है बच्चों वो उत्तर प्रदेश में सुरंग इसमें से इनमें से किसके लिए उपयोगी है सुरंग किसके लिए उपयोगी है बच्चों हेलीकॉप्टर के लिए रेल के लिए हवाई जहाज़ के लिए तो वो है रेल के लिए ठीक है आगे चलते हैं नीचे दिए गए विकल्प में सत्य या सत्य लाउड स्पीकर के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है सत्य संगीत की मधुर ध्वनि से ध्वनि से भी ध्वनि प्रदूषण होता है असत्य ध्वनि प्रदूषण के कारणों में से एक कार एक कारखाने का भी शोर है सत्य यातायात के साधनों से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है असत्य निर्माण कार्य उपकरणों में ध्वनि प्रदूषण होता है बिल्कुल होता है सत्य ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है असत्य कानों और सिर दर्द सिर में दर्द होना ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव है सत्य ठीक है बच्चों तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट आप देख लेते हैं कि वाक्य के लिए सुझाव दिया गया है बच्चों के साथ ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव पर चर्चा चर्चा कीजिए और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय सुझाइए तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बाय बच्चों टेक केयर